जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरजमी पर उतरने वाले हैं। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह आज पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे। मालवा और बुंदेलखंड के बाद अमित शाह का नया मुकाम छिंदवाड़ा है। लिहाजा जो अमित शाह है वह सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी का दौरा भी करेंगे। शाह छिंदवाड़ा जिले के पांडुनना आएंगे। यहाँ पर वह नगर पालिका ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके टारगेट पर साफ तौर पर यहां पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ होंगे और जमकर कांग्रेस को भी निशाने पर भी लेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर जो यहां पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि सभा स्थल पर जो है बिना अनुमति के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहीं दूसरी ओर बात की जाए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जो है इस बार शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में हुंकार भरेंगे। करीब 12 बजे राहुल गांधी भोपाल पहुंचेंगे। उनका ये दौरा विदिशा से शुरू होगा। राहुल भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के मंडीदीप में सभा करेंगे। भोजपुर से कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी यहाँ पर पार्टी प्रत्याशी है, तो ऐसे में सुरेश पचौरी के पक्ष में राहुल गांधी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे राहुल गांधी मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के नसरुलगंज जाएंगे, वहाँ जनसभा करेंगे। यहाँ राहुल गांधी अरुण यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुधनी और भोजपुर में लंबे समय से बीजेपी का राज है और ये दोनों सीटें सीएम शिवराज सिंह चौहान से सीधे जुड़ी हुई है। दोनों पार्टियां विरोधियों के मुख जो दोनों ही ये सीट है वो पार्टी विरोधी के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान है उन पर ये कांग्रेस का फोकस है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पर बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो भाजपा के टारगेट पर खास तौर पर महाकौशल है, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ कमलनाथ की सीट को जीतना भर नहीं है बल्कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ उनके गढ़ में हराकर बीजेपी पूरे राज्य में एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। वही राहुल गांधी का जो है शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में सेंध लगाकर बुधनी जीतने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि मिशन 2018 के सियासी रण में कौन सफल हो पाता है। यहाँ भाजपा सुप्रीमो अमित शाह जो है महाकौशल जीत पाते हैं या फिर राहुल गांधी बुधनी में शिव के गढ़ में सेंध लगा पाते हैं।